आवाज आ रही है सभी को? हाँ ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने स्टोइकोमेट्री स्टार्ट किया था। नाउ जो एक तो देखो हमने फैक्टर लेवल मेथड बताया था तुम्हें, ठीक है, जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं रिएक्शंस में। एक दूसरा मेथड जो है वो है पीओएसी मेथड। ओके, पीओएसी मेथड, पीओएसी का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। सो ये है पीओएसी का फुल फॉर्म। अभी सेम क्वेश्चन हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ले तो देन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट स्लाइड। नाउ देखो क्या है, इस मेथड में रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो इस वाले मेथड में रिएक्शन को बैलेंस करना रिक्वायर्ड नहीं है। यस, इट इज, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एटम कंजर्वेशन किया जाएगा, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं एटम बैलेंसिंग। करेंगे हम तो एटम बैलेंसिंग करेंगे या एटम कंजर्वेशन करेंगे। ओके, सो एटम बैलेंसिंग या एटम कंजर्वेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो सेम केस हम ऐसा करते हैं, पहले तुम्हें KClO3 वाला क्वेश्चन का बता देते हैं, ठीक है। सो KClO3 gives KCl plus O2, ये वाला है, ठीक है। नाउ ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और जैसे मैंने बताया इस मेथड में हमें रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं। तो यहाँ पर POAC अप्लाई करेंगे किसी एटम पर। ओके, नाउ POAC किस पर अप्लाई करें, तो देखो अगर हम पोटेशियम या क्लोरीन पर POAC अप्लाई करते हैं, ओके, POAC ऑन K, पोटेशियम पर मान लो POAC अप्लाई करते हैं, तो क्या है, जितने एटम्स पोटेशियम के KClO3 में होंगे ना, उतने ही एटम्स पोटेशियम के KCl में होंगे। ओके, तो दोनों साइड हमें क्या करना है, पोटेशियम के एटम्स निकालने हैं एंड देन उनको इक्वेट कर देना है। दोनों साइड क्या करना, पोटेशियम के एटम्स निकालने हैं देन उनको इक्वेट करना है। तो यार KClO3 में कितने आ सकते हैं, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। अब ये तो KClO3 के मोल्स आए, पोटेशियम के मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 हमें मिल गए। नाउ पोटेशियम के मोल्स कितने आएंगे, ऑब्वियसली एक KClO3 में एक पोटेशियम है ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, वन कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आ गया इन रिएक्टेंट। ओके, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आ गया इन रिएक्टेंट। अच्छा, प्रोडक्ट में कितने पोटेशियम के मोल्स होंगे, तो पोटेशियम किसमें, प्रोडक्ट में, KCl में, ठीक है। तो पहले KCl के मोल्स निकाल लो, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl एंड देन इसे कितने से मल्टीप्लाई करें, इसे भी वन से मल्टीप्लाई करें। क्यों यार, क्योंकि KCl में कितना पोटेशियम है, एक है, ठीक है। तो दोनों साइड हमने क्या किया है, पोटेशियम के मोल्स निकाल लिए एंड इन दोनों को कर देंगे इक्वेट।
तो ये हमारे पास पीओएसी हो गया उनके। अगर हम क्लोरीन पर अप्लाई करते पीओएसी तब भी ऐसा ही होता, क्योंकि क्लोरीन इन दोनों में ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 करते एंड मल्टीप्लाई बाय क्या करते वहां पर भी वन ही करते ना, क्योंकि एक KClO में एक क्लोरीन है। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इंटू वन करते, ठीक है। तो पीओएसी अप्लाई करेंगे अगर हम पोटेशियम पर तो ये इक्वेशन बन गई। अच्छा अगर हमने यहां पर पीओएसी अप्लाई किया ऑन ऑक्सीजन तो क्या होगा, चलो उसको नेक्स्ट पेज स्लाइड में अप्लाई करते हैं। पहले रब कर लो, मतलब सॉरी पहले ये लिख लो, यस किसी भी एक एलिमेंट पर पीओएसी अप्लाई करना है दक्ष, ठीक है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन कराएंगे तो और आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि वो किस एटम पर हम अप्लाई करेंगे पीओएसी। राहुल ये किसके लिए बता रहे हो तुम? नहीं नहीं राहुल थोड़ा मिस्टेक किया है। लिख लिया सबने? नाउ अगर हम ऑक्सीजन पर पीओएसी लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखो पीओएसी ऑन ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन पर अगर हम पीओएसी लगाते हैं तो क्या था, देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, देखो नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक पोटेशियम मतलब KClO3 में तीन ऑक्सीजन है, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अगर हमें पता है तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, ऑब्वियसली थ्री टाइम्स, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इनटू क्या कर देंगे, थ्री कर देंगे। तो हमें ऑक्सीजन के मोल्स मिल गए रिएक्ट हैंड साइड। नाउ इतने ही ऑक्सीजन के मोल्स प्रोडक्ट साइड होंगे, तो अभी प्रोडक्ट साइड हमारे पास ऑक्सीजन किस में, O2 में है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बताओ,
O2 में कितने ऑक्सीजन आइटम है? दो ना, O2 में दो ऑक्सीजन आइटम है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अभी हमारे पास दोनों साइड ऑक्सीजन के मोल्स ऑफ एटम आ गए, दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्लियर है क्या? ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था देखो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था? वेट ऑफ दक्ष, सर डिड नॉट अंडरस्टैंड। दक्ष, दोनों साइड ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं हमें और उसे फिर इक्वेट करना है। तो दोनों साइड ऑक्सीजन के मोल्स कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अगर तुम्हें पता है तो एक KClO3 में कितने ऑक्सीजन है? 10। एक KClO3 में कितने ऑक्सीजन है? 3 है ना। सो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, इससे हमें ऑक्सीजन के मोल्स मिल गए रिएक्टेंट साइड। ओके, एंड प्रोडक्ट साइड हमारे पास है O2, तो O2 के मोल्स मिल जाएंगे अगर तुम्हें, तो ऑक्सीजन आइटम के मोल्स कैसे निकालोगे? O2 में कितने ऑक्सीजन है? O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 है ना, सो मल्टीप्लाई बाय 2। समझ आया? ठीक है, दोनों साइड ऑक्सीजन के मोल्स निकाले एंड देन उसको इक्वेट कर दिया। नाइन इक्वल टू 4 क्यों आएगा? 9 इक्वल टू 4 नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 जो मिले उसका 3 टाइम्स होगा ऑक्सीजन के मोल्स, तो ये ऑक्सीजन के मोल्स है। और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मिले उसका डबल मोल्स होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का। तो दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम आ रहा है, इट इज नॉट 9 इक्वल टू 4। ये 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? वेट ऑफ KCl, वेट ऑफ KClO3, सॉरी वेट ऑफ KCl, वेट ऑफ O2 एंड वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना था, है ना, ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन टू टू कितना था? 1225 था ना, कितना लिया था लास्ट टाइम क्वेश्चन में? 1225 था ना, हाँ 1225 ग्राम ऑफ KClO3। ठीक है, सो 1225 ग्राम ऑफ KClO3 लेंगे तो KCl कितना मिलेगा, O2 कितना मिलेगा और वॉल्यूम ऑफ O2 कितना मिलेगा, ये निकालना था ना। तो अभी देखो इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, सो KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, ये हमारे पास इक्वेशन है ना। अगर हमें, अब देखो इसका हमें वेट पता है, इसका वेट अगर निकालना है तो इन दोनों के बीच में POAC लगाएंगे, ठीक है, मतलब POAC ऑन K, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है उसके ऊपर POAC लगाएंगे। कॉमन एलिमेंट K है और CL है, तो किसी पे भी POAC लगा सकते हैं, K पर भी लगा सकते हैं और CL पर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इंटू 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इंटू 1। ओके, नाउ KClO3 के मोल्स कितने आएंगे देखो, 1225 ग्राम दिया उसका, डिवाइड बाय मोलार मास इनटू 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ही आ गया ना, वेट डिवाइड बाय मोलार मास कर दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl हमारे पास कितना आ गया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl को इन टर्म्स ऑफ वेट लिख सकते हैं,
मान लो हमें एक्स ग्राम ऑफ केसीएल मिल रहा है या डब्ल्यू ग्राम ही चलो मान लो केसीएल मिल रहा है, ठीक है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, वेट ऑफ केसीएल डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ केसीएल, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू वन। तो यहां से देखो वेट ऑफ केसीएल कितना आ जाएगा, 745 ग्राम आ जाएगा क्या, ठीक है। तो हमने यहां पर रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस किया गया रिएक्शन को नहीं किया ना, ठीक है, तो हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे, पीओएसी में रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। हम यहां पर क्या करते हैं, किसी एलिमेंट पर पीओएसी लगा देते हैं, ओके, तो पोटेशियम पर पीओएसी लगाओ या क्लोरीन पर लगाओ, सेम इक्वेशन आएगी। सर हाउ डिड यू गेट 122.5, 12250 क्या है, सॉरी 1225 क्या है, इट इज वेट गिवन। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने KClO3 के तो कैसे निकालेंगे बताओ, KClO3 का वेट पता है एंड मृदुल उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, डिवाइड बाय मोलार मास नहीं करोगे क्या मृदुल, तो मोलार मास ऑफ KClO3 जो है वो 122.5 ग्राम है, लास्ट लेक्चर में कराया था ना ओके तो वही किया हमने, एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड 74.5 ग्राम जो है, मतलब 74.5 जो है मोलार मास ऑफ KClO, समझ आया, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ O2 या वॉल्यूम ऑफ O2 निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, तो फिर POAC लगाएंगे किस पर, POAC लगा देंगे फिर ऑक्सीजन पर, तो POAC ऑन ऑक्सीजन, तो KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, तो देखो इधर देखो, ठीक है, KClO3 में कितने ऑक्सीजन है, 3, और O2 में कितने ऑक्सीजन है, 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 into 3 is equal to number of moles of O2 into 2. Now what is number of moles of KClO3? Obviously इसका mass ही हमें 1225 gram divided by molar mass, इसके number of moles आए into 3. अब देखो तुम्हें क्या required है, अगर weight required है तो number of moles को in terms of weight लिख दो, अगर volume required है तो number of moles को in terms of volume लिख दो, ठीक है, तो पहले हमें weight required है तो weight of O2 divided by molar mass of O2 कितना है भाई, 32 इंटू टू, ठीक है, तो यहां से वेट ऑफ O2 क्या आएगा, 10, this is 3, सो 480 आ जाएगा, ओके, सो दिस इज वेट ऑफ O2। अगर तुम्हें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो है, ये वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली डिवाइड बाय 22.4 वाला ना, तो राइट हैंड साइड हमारे पास चेंज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वही रहेगा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 * 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 को क्या लिख देंगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाय 22.4 * 2, ओके, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो क्या आ जाएगा, 336 लीटर आ जाएगा, क्लियर है सबको। तो ये दूसरा मेथड है पीओएसी मेथड, इसमें मतलब इसका फायदा ये होता है कि इसमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कंजर्व हो रहा है या किस एलिमेंट पर हम पीओएसी लगा रहे हैं, ओके, सो यस वी कैन यूज एनी मेथड, बट कई बार ऐसा क्या है, ऐसा होता है कि हमें बैलेंस रिएक्शन या हमें कंप्लीट रिएक्शन ही नहीं पता होती है, बस ये पता होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है कंजर्व हो रहा है, तो वहां पर ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर में जो हमने बताया था वाला मेथड नहीं लगा था, ठीक है, एक क्वेश्चन हम उस पर लेंगे आज वैसे,
वो बाद में लेंगे, पहले हम लास्ट टाइम जो क्वेश्चन लिए थे सेम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। फिर एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो तुम्हें बताएगा कि वहां पर हम पीओएसी लगा सकते हैं, फैक्टर लेबल नहीं लगा सकते। इक्वेशन की तो मतलब कंप्लीट रिएक्शन की जरूरत नहीं है राहुल देसाई, हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट बैलेंस हो रहा है या कौन सा एलिमेंट कंजर्व हो रहा है। तो जो एलिमेंट कंजर्व हो रहा है उस पर पीओएसी लगाएंगे, तो उसके एटम्स पता होने चाहिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितने हैं। ओके, रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है उसमें और प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के, ये पता होना चाहिए। हो गया सबका? यस राहुल, वो क्वेश्चन में मेंशन किया ही जाएगा। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस कराए थे बाकी वो इसी मेथड से हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं H2O वाला क्वेश्चन। तो डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइव मोल्स ऑफ H2O। ऑब्वियसली कौन सी रिएक्शन से? वही लास्ट लेक्चर में जो हमने बताया था, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ H2 एंड O2। H2 एंड O2 की रिएक्शन जो है उससे कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ H2O। सेम आंसर आना चाहिए। रिएक्शन है अपने पास H2 प्लस O2 विद H2O। ठीक है, तो देखो किस पे पीओएसी लगाएं, तो हमें इसका दिया हुआ है H2O का और O2 का निकालना है। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है वो देखो, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है ना, तो किस पर पीओएसी लगाएंगे? ऑक्सीजन पर लगाएंगे, पीओएसी ऑन ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय क्या करें बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 को किससे मल्टीप्लाई करें? O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 2। जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस एलिमेंट के उससे मल्टीप्लाई करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इंटू क्या करेंगे? H2 में कितने ऑक्सीजन एटम है? H2 में एक ऑक्सीजन एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, दैट्स इट, हो जाएगा अभी देखो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमें निकालना है इंटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमें दिया है 5 इंटू 1। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या आया? 2.5। क्लियर आ गया सबको? क्लियर है सबको क्वेश्चन? ओके,
तो इस टाइप से हम पीओएसी अप्लाई करेंगे। तो पीओएसी में क्या हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, हमें यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर पीओएसी लगाना है और उस एलिमेंट पर पीओएसी लगा दिया, देन उसके बाद ऑब्वियसली जो दिया है और जो निकालना है उसके टर्म्स में लिख। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था वो था C2H6 वाला। ओके तो वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन वेट ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट NTP फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ C2H6। ठीक है, सॉल्व करो, सेम आंसर आना चाहिए जो लास्ट लेक्चर में आया था। आया आंसर? लास्ट टाइम जो आंसर आया था सेम आंसर आना चाहिए।
तो देखो C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। नाउ हमें यहाँ पर कार्बन का मतलब C2H6 का अमाउंट दिया है और CO2 का निकालना, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है उस पे POC लगाना। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है यार? दोनों में कॉमन एलिमेंट कार्बन, तो POC किस पे लगाएंगे? कार्बन। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे, क्योंकि C2H6 में कितने कार्बन है? 2। इज इक्वल टू CO2 के नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या करेंगे? इंटू 1, बिकॉज CO2 में कितना कार्बन है? 1। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कितने हो जाएंगे? देखो वेट हमें दिया 0.3, डिवाइड बाय मोलार मास कितना इसका? 30 इंटू 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो, वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाय इसका मोलार मास CO2 का कितना होता है? 44 इंटू 1। तो यहां से वेट ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? इट इज 0.88 ग्राम। ये आया था लास्ट लेक्चर में भी, ओके? सो अगर हमें वेट निकालना है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख देंगे? ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है इसको इन टर्म्स ऑफ वेट लिख देंगे, जैसे यहां पर लिखा है, ओके? और अगर हमें मोल सॉरी वॉल्यूम निकालना है तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है इसको इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, ओके? तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो वही रहा, वेट हमें दिया 0.3 डिवाइड बाय मोलार मास 30 किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 आया, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है? तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 इनटू 2 आ गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू 1। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को हमें क्या लिखना है? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय 22.4 इनटू 1। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 0.448 लीटर। क्लियर है सबको? ओके, सो जो कॉमन एलिमेंट है उस पर POC लगाना। कॉमन एलिमेंट यहां पर क्या था? कार्बन था, उसी पर हमें POC लगाना था। कोई तो बोल रहा था कि ऑक्सीजन पे POC लगा सकते हैं, तो ऑक्सीजन पे नहीं लगा सकते ना यार, क्योंकि ऑक्सीजन पे अगर तुमने POC लगाया तो पता ऑक्सीजन पे क्या इक्वेशन आएगा? ऑक्सीजन पे अगर तुम POC लगाओगे तो हमारे पास रिएक्शन ये है, तो ऑक्सीजन पे अगर तुम POC लगाओगे, POC ऑन O, तो क्या आएगा? ये इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 2। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 थोड़ी दिया है यार क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में तो हमें C2H6 का वेट दिया है ना यार, ठीक है? यस मृदुल, हमें ऑक्सीजन का तो वेट पता ही नहीं है। अगर यहां पर ऑक्सीजन का वेट देते, अच्छा ये अभी भी रॉन्ग किया एक्चुअली हमने, स्टिल ऑक्सीजन पर अगर हम POC लगाएंगे तो इतना नहीं रहेगा, ये भी आ जाएगा, इसमें भी तो ऑक्सीजन है ना यार, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इनटू 1, ये हमारे पास POC और ऑक्सीजन का इक्वेशन। समझाया? तो
तो ऑक्सीजन पर अगर हम पीओसी लगाते तो यार ऑक्सीजन देखो किस किस में है, ऑक्सीजन ओ2 में है, सीओ2 में है एंड H2O में, तो इक्वेशन ये आता, ये वाला इक्वेशन आता। तो यार हमें तो C2H6 का दिया था ना, और किसी का तो दिया ही नहीं है, तो इसके मोल्स अगर तुम्हें निकालना है या इसका वॉल्यूम वगैरह निकालना है तो तुम्हें इसका और इसका मतलब H2O का दोनों का जरूरत है, समझा ही नहीं आया। तो PVC उसी एलिमेंट पे लगाओ जिससे हमारे पास सॉल्व हो सके क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कार्बन कॉमन एलिमेंट कार्बन था दोनों में, तो उसी पर PVC लगाना चाहिए था, कार्बन एक तो इन दोनों में ही है, इनके अलावा और कहीं पे है ही नहीं, तो ये दोनों ही आते हैं हमारे पास। लेकिन अगर तुम ऑक्सीजन पे PVC लगाओगे तो ऑक्सीजन तीन कंपाउंड में O2 CO2 एंड H2O, तो इक्वेशन में तीनों आ जाए, क्लियर है या नहीं है, ओके। तो नाउ सेकंड मतलब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट हमारे पास CH3OH वाला क्वेश्चन था, डिटरमाइन वेट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ फोर मोल्स ऑफ CH3OH। सेम आंसर आना चाहिए जो लास्ट लेक्चर में आया था,
ओके तो सेम आंसर आ रहा है ना सबका। सोनक तुम्हारा थोड़ा अलग आ रहा है, देखो तुमने मिस्टेक किया है कुछ। तो CH3OH प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। नाउ हमें यहां पर देखो CH3OH के मोल्स दिए हैं और किसके वेट निकालना है, H2O का वेट निकालना है। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है यार, दोनों में कॉमन एलिमेंट हाइड्रोजन है। अच्छा अगर हम POC ऑक्सीजन पे लगाते हैं, दोनों कॉमन एलिमेंट ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन इन दोनों के अलावा यहाँ पर भी है, तो POC के इक्वेशन में O2 एंड CO2 भी आ जाए, ठीक है। तो हमें POC के उसी पर लगानी चाहिए जिसके इक्वेशन में वो दोनों ही कंपाउंड आए, मतलब यहाँ पर कार्बन पर सॉरी हाइड्रोजन पर अगर हम POC लगाएंगे तो ये दोनों ही आएंगे, ठीक है। चलो एक बार ऑक्सीजन का POC बता देते हैं कि ऑक्सीजन पर POC की इक्वेशन क्या होगी। तो POC ऑन ऑक्सीजन देखो अगर हम करते हैं तो क्या होगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इंटू 1। ये हमारे पास ऑक्सीजन पर POC जब लगाएंगे तो इक्वेशन आए, तो ऑब्वियसली हमें इसका अमाउंट पता है, इसका निकालना है, लेकिन इन दोनों का तो नहीं पता ना यार, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पर POC मत लगाओ, इस पर लगाएं। दूसरा कॉमन एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इन दोनों के अंदर ही है, बाकी किसी में नहीं है, तो वो सही इक्वेशन रहेगा। तो POC ऑन हाइड्रोजन अगर हम लगाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH मल्टीप्लाई बाय क्या करें बताओ, एक CH3OH में कितने हाइड्रोजन है, एक CH3OH में 4 हाइड्रोजन है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज H2O में कितने हाइड्रोजन है। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कितना होगा, देखो 4 मोल्स ऑफ CH3OH है तो 4 इंटू 4। राइट हैंड साइड देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को किसके टर्म्स में लिखें, वेट के टर्म्स में लिख दे क्योंकि हमें वेट निकालना है। ओके सो वेट ऑफ H2O डिवाइड बाय उसका मोलार मास 18 इंटू 2, तो यहां से वेट ऑफ H2O जो है वो आ जाएगा 144 का। क्लियर है सभी को, ओके नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस कराए थे सेम क्वेश्चंस हमने POC मेथड जो है उससे करा दिए हैं, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखो 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 वॉज हीटेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट सो एज to convert all of its carbon to K2 ZN3 Fe
Cn whole 6 and then whole twice. Calculate the moles of product form. ठीक है, तो 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 था, जिसका रिएक्शन काफी अलग अलग रिएक्टेंट वगैरह के साथ हुआ होगा, एंड एंड में हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो इसमें से कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट मिला, और प्रोडक्ट ऐसे मिला कि जितना भी कार्बन है इस K2CO3 का, जितना भी कार्बन है वो सारा ही सारा कार्बन इसमें आ गया। ठीक है, तो हमें मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, कितना होगा, मतलब इसके मोल्स कितने होंगे वो निकालना है। के जो है उसका 39 एटॉमिक मास, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16। मधुकर उसकी जरूरत नहीं है, जितना एटॉमिक मास रिक्वायर्ड है हमने दे दिया है, और किसी का एटॉमिक मास रिक्वायर्ड नहीं है। यस वृष्टि करेक्ट है, बाकी का रॉन्ग है, वृष्टि का करेक्ट है, बाकी का अभी तक रॉन्ग आया है। प्रियस करेक्ट है, सोनक करेक्ट है, सॉरी सोनक रॉन्ग है,
मी का करेक्ट है, शौनक कशिश रॉन्ग है, प्रियस वेट नहीं निकालना है, बोल्ट निकालने हैं, बोल्ट सॉरी प्रियस नहीं, क्या बोलते हैं प्रियस, मधु कर रॉन्ग है, आहान करेक्ट है, नो सीरियस रॉन्ग है, मालव रॉन्ग है, चलो देखो करा देते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हम फैक्टर लेवल मेथड नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि हमें कंप्लीट रिएक्शन ही नहीं पता, हमें जस्ट क्या पता है कि एक तो ये रिएक्टेंट है ये पता है, और एक ये प्रोडक्ट है ये पता, बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कुछ आइडिया ही नहीं है। तो जब बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कुछ आइडिया ही नहीं है, मतलब हमें कंप्लीट रिएक्शन ही नहीं पता यार, ठीक है। तो जब कंप्लीट रिएक्शन ही नहीं पता, तो ऑब्वियसली फिर बैलेंसिंग की कहां से बात आ गई, एंड ऑब्वियसली बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, फैक्टर लेबल के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर फैक्टर लेबल नहीं लगा सकते, यस राहुल करेक्ट है। तो अब देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट दो है, एक तो पोटेशियम है और एक कार्बन है, लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यार जितना भी कार्बन है वो सारा की सारा प्रोडक्ट में चला गया है, मतलब कार्बन कंजर्व्ड हुआ है, पोटेशियम का कुछ गारंटी नहीं कि कंजर्व हुआ है कि नहीं, हो सकता है कि प्रोडक्ट में और कोई कंपाउंड बन रहा हो जिसमें पोटेशियम जा रहा हो, या हो सकता है हमारे पास कोई ऐसा रिएक्टेंट आ रहा हो जिसमें पोटेशियम हो, ठीक है। तो कशिश थोड़ा सा तुमने मिस्टेक किया, थोड़ा सा एक जीरो का मिस्टेक है, हाँ। तो K2CO3 एंड इस प्रोडक्ट में, यस कशिश नाउ इट इज करेक्ट, तो K2CO3 और प्रोडक्ट में दो कॉमन एलिमेंट्स है, पोटेशियम एंड कार्बन, लेकिन पोटेशियम के बारे में कुछ पता नहीं, हो सकता है कि वो और कहीं से भी आ रहा हो या और किसी प्रोडक्ट में जा रहा हो, लेकिन कार्बन के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, उन्होंने बोल दिया है कि सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन इनटू दिस, मतलब यहाँ पर कार्बन जो है वो कंजर्व हो रहा है। तो पीओएसी किस पर लगाएंगे, कार्बन पर लगाएंगे, पीओएसी ऑन कार्बन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इनटू क्या कर दे वन, बिकॉज एक कार्बन है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, उसको एंड प्रोडक्ट लिख देते हैं, चलो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू क्या करें, कितने कार्बन है यार इसमें, CN का होल सिक्स है, देन बाद में होल ट्वाइस भी हो रहा था, 12 कार्बन हो गए ना, ओके। सो वेट हमें दिया है K2CO3 का कितना दिया है, इट इज गिवन एज 27.6 डिवाइड बाय मोलार मास, मोलार मास इसका है 138 इंटू 1 is equal to number of moles of product into 12. So, देखो ये जो है 5 times cancel out हो रहा है, ठीक है, तो यहां से number of moles of product कितना आ गया, number of moles of product कितना आ जाएगा, it is 1/60, okay, so number of moles of product जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1/60।
क्लियर है सबको? ओके, तो इस टाइप से हम पीओएसी अप्लाई करेंगे। तो पीओएसी का फायदा यह है कि इसके लिए हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती रिएक्शन को, या कई बार हमें कंप्लीट रिएक्शन ही नहीं पता होती, जस्ट ये आइडिया होता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कंजर्ड हो रहा है, ठीक है, तो भी हम पीओएसी लगा सकते हैं। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। आज का कोई होमवर्क मतलब वैसे नहीं है, जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस दिए थे उन्हीं को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। यस मालव, कुछ डाउट है बोलो। हाँ सर, सर अब ये लास्ट टू ये सर जो सबसे बॉटम वो वापस समझा सकते हो सर? यहाँ पे नीचे जो लिखा है, हेलो सर, हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो सर। आप ये लास्ट लाइन जो लिखी है वो वापस समझा सकते हो? लास्ट में हमने कार्बन पर पीओएसी लगा दिया है, ठीक है ना? कार्बन पर पीओएसी लगा रहे हैं तो K2CO3 में कितने कार्बन है? 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 into 1 is equal to ये जो प्रोडक्ट है इसमें कितने कार्बन है? इसमें 12 कार्बन है। देखो CN का होल 6 है एंड देन होल ट्वाइस प्योर है, 12 कार्बन, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट into 12, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 डायरेक्ट तो नहीं दिया लेकिन वेट दिया है, तो वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे K2CO3 का, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? 27.6, ठीक है, दिस इज 27.6 है, याद रखना, दिस इज 27.6 डिवाइड बाय 138, तो ये नंबर ऑफ पोल्स हो गया इनटू 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू 12, तो यहां से 1/5 टाइम्स हो गया, ये वाला 1/5 हो गया, तो 12 नीचे आएगा तो 1/60 आ गया। क्लियर वाला? ओके, तो आज का होमवर्क मतलब वही है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस दिए थे सेम क्वेश्चंस जो हैं इस वाले मेथड से ट्राई कर। ओके, चलो बाय, टेक केयर।